हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जिसमें धमाकेदार बिग न्यूज़ आई है जिसके कारण आपने देखा होगा आज मजगांव डॉक में अच्छी तेजी बनी थी और शेयर अभी ब्रेकआउट के वर्ज पर है। हो सकता है एक दो दिन में शेयर ब्रेकआउट देकर रॉकेट बने, तो ब्रेकआउट होने के पहले आप इस शेयर को बाइंग के बारे में सोच सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट शेयर है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण भी यह शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स से धमाकेदार न्यूज़ क्या आई है, कंपनी को नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। मतलब कंपनी अभी नवरत्न कंपनियों में शामिल हो चुकी है और अभी ये भारत की 18वीं कंपनी बन चुकी है नवरत्न स्टेटस पाने वाली। अब नवरत्न बनने के बाद कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बिना, परमिशन के बिना 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है कोई भी प्रोजेक्ट पर। उसके अलावा जो कंपनी है ये मजगांव डॉक, ये 1000 करोड़ तक का ओवरसीज़ में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, अलायंस भी कर सकती है, MOU भी साइन कर सकती है और भारत के बाहर सब्सिडरी भी बना सकती है। तो ये काफ़ी बड़े बेनिफिट्स है और नवरत्न कंपनी को काफ़ी सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसीलिए आने वाले दिनों में मजगांव डॉक में हमें और भी इन्वेस्टमेंट आने देखते को मिलेगा, FII की ओर से भी, DII की ओर से भी। और इसीलिए अभी भी मौका है, आप स्टडी करके मजगांव डॉक को बाइंग के बारे में सोच सकते हो। जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ओनली 40 के पी पर मिल रहा है, EPS भी 96 का है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, 663 करोड़ का शानदार Q4 का रिजल्ट आया था, Q1 का रिजल्ट भी शानदार आ सकता है। तो ओवरऑल एक देखा जाए तो बेस्ट शेयर है फॉर लॉन्ग टर्म डिफेंस सेक्टर से। तो मजगांव डॉक में अभी भी आप ब्रेकआउट के पहले बाइंग के बारे में सोच सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं और मेरी टीम कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर, या आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।